गुड मॉर्निंग। अपन आज टॉपिक देखेंगे, अपन ने लास्ट में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट। आज अपन देखेंगे लाइफ स्पेन का या लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। लाइफ साइकिल का मतलब ये होगा कि उनकी जो लाइफ है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर धीरे धीरे क्या बन रहा है, कहाँ जाएगी, वो सारा अपन देखेंगे। तो आप अपन इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करते देखने को, देखिए आप लोग। तो अपन ने सबसे पहले ये एक प्लांट लिया, ठीक है, ये अपन ने एक प्लांट ले लिया। किसका प्लांट लिया अपन ने? एंजियोस्पर्म प्लांट है। ये इसकी रूट हो गई, ये इसकी लीफ हो गई, ये इसके फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये इसके फ्रूट्स हो गए। अब ये इसका ऊपर वाला पार्ट है फ्लावर, ये फ्लावर वाला पार्ट है, ठीक है। आप इनको लेबलिंग भी कर सकते हो। अब इसमें जो फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। कौन कौन से पार्ट होंगे? मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे। अपन इसको अलग अलग समझेंगे। अब देखो, ये वाला पार्ट हो गया आपका मेल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका? मेल वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट हो गया आपके फीमेल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया आपके फीमेल वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको अपन अगर डिस्क्राइब करें तो ये हो गया आपका एंथर, ये क्या हो गया आपका? एंथर। ये हो गया आपकी स्टिग्मा, ये हो गया आपकी स्टाइल, और ये हो गया आपकी ओवरी। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी लाइफ स्पेन में क्या क्या होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये एंथर वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया। अब इस ये फिलामेंट हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ठीक है, ये फिलामेंट वाला पोर्शन है। अब इससे क्या बनेंगे आपके? मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप देखना इसको। इसको बोलेंगे अपन माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको अपन क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब वो वाला प्लेस जहाँ पे कौन किसका फॉर्मेशन होगा? माइक्रोस्पोर का। ये वो वाला प्लेस है जहाँ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और माइक्रोस्पोर कौन होते हैं आपके? मेल वाला पार्ट। इसका नाम है आपका माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम मतलब यहाँ पे जो मेल वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन होगा, उसको बोलेंगे अपन माइक्रो स्पोरेंजियम। इससे क्या बनेंगे आपके? माइक्रो स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे आपके? माइक्रो स्पोर बनेंगे। और माइक्रो स्पोर कितने नंबर में बनते हैं? फोर बनते हैं। माइक्रो स्पोर कितने बनते हैं आपके? फोर बनते हैं। ये हो गए आपके माइक्रोस्पोर। मेल पार्ट से क्या बन गया आपका? माइक्रोस्पोर बन गया, ठीक है। अब इधर जो फीमेल पार्ट है इससे देखिए क्या होगा। इसको बोलेंगे मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम किस वर्ड के किसके लिए यूज़ किया करते हैं? ओव्यूल का, क्योंकि जो ओव्यूल होता है, जो ओवम होता है, उसका साइज़ क्या होता है आपका? लार्ज होता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मेगा स्पोरेंजियम। इसको क्या बोलेंगे? मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है, ये मेगा स्पोरेंजियम हो गई। वो माइक्रो थी, ये कौन हो गई आपकी? मेगा स्पोरेंजियम। और इसमें से जो ये एक सेल है, ये जो एक सेल है वो कौन सी आपकी? मेगा स्पोर मदर सेल, मतलब वो वाली सेल जो किसका फॉर्मेशन करेगी आपके? मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोर मदर सेल। देखो फिर से देखो, ये आपका मेन प्लांट है, ठीक है, इसका फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, मैं लेबलिंग कर देती हूँ, ये फ्रूट हो गया, ये लीफ हो गई, ये रूट है आपकी, ये फ्लावर हो गया। और अपन को पता ही है फ्लावर क्या होता है आपका? सेक्सुअल पार्ट होता है। स्टेम, लीफ और रूट क्या होती है आपकी? वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो अब फ्लावर में कौन सा होगा? फीमेल पार्ट और मेल पार्ट, ठीक है। अब ये कैसे बन रही है अपन इनको डिटेल से देखेंगे। अब जो माइक्रोस्पोर है उनमें से अपन देखते हैं क्या होता है। यह आपका एक माइक्रोस्पोर है, ठीक है। माइक्रोस्पोर में क्या होगा?
एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक जनरेटिव सेल होगी, मैंने कल ही एक्सप्लेन किया था। माइक्रोस्पोर में क्या होगी, एक वेजिटेटिव सेल होगी और एक क्या होगी आपकी जनरेटिव सेल होगी। इसको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। और अपन को पता है पोलन ग्रेन से किसका फॉर्मेशन होता है आपका पोलन ट्यूब। तो अगली फेज में देखो, ये पोलन ग्रेन्स ठीक है, और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ आपका पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। किससे होगा, पोलन ग्रेन से। ये आपकी, ये वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल, ये दो मेल गैमेट और ये ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। और ये दो कौन हो गए, मेल गैमेट। ये दोनों कौन हो गए आपके, मेल गैमेट। अपन ये कल देख चुके थे ठीक है। ये दोनों सेल्स हैं, तो ये इसका साइटोप्लाज्म वगैरह है, ये इसकी आउटर कवरिंग है जो स्पोरोपोलोनिन की से मेडअप होती है। आप अगली क्लास में पढ़ोगे ठीक है। अब क्या होगा, जो ये फीमेल वाला पार्ट है, जो मेगा स्पोर मदर सेल है, वो किसका फॉर्मेशन करेगी, ये देखो आप, ये भी अपना पढ़ा हुआ है। ये तीन एंटीपोडल सेल हो गई, ये दो सेकेंडरी न्यूक्लियस हो गए, ये सिनर्जिड्स हो गए और ये एग सेल हो गई। अब जो ये पोलन ट्यूब है, इसमें जो मेल गैमेट है वो कहाँ एंटर करेंगे, कल अपन ने देखा ही था, ये इसमें एंटर करेंगे ठीक है। ये दोनों किसमें एंटर करेंगे आपके, इसमें एंटर करेंगे। देखिए एक बार, पोलन ट्यूब है उसमें दो मेल गैमेट है, ये किससे फ्यूज हो जाएंगे आपके, एग सेल से। और एग सेल से फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे आपके, जाइगोट। क्या बन गया आपका, जाइगोट। बिकॉज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन से क्या बनता है आपका, जाइगोट। जाइगोट बन गया, और जाइगोट से क्या बन जाएगा आपका, एम्ब्रियो। और जो एंजियोस्पर्म होता है उसका एम्ब्रियो कैसा होता है आपका, हार्ट शेप का होता है। ये क्या बन गया आपका, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा आपका, अडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट ठीक है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें से कौन सी 2N फेज है और कौन सी N फेज है। अब देखो इधर, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैंने एक अलग से आपके आइडेंटिफाई कर दिया है, ये वाला, ये देखो, ये तो N फेज है। देखो मेन प्लांट बॉडी कैसी है आपकी, 2N है। एंथर और ओवरी, या फिर कह सकते हो फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो कैसे आपके, 2N है, मतलब डिप्लॉयड है। क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं आपके, डबल है ठीक है। फिर इनमें क्या हुआ आपका, मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, ये सारे N आपके, ये सारे N है। फिर यहाँ से ये क्या आपके, ये भी आपका किस में आता है आपका, N में आता है। ये भी किस में आएगा आपका, N में। फिर ये जाइगोट 2N हो गया, एम्ब्रियो 2N है। तो जो आपके एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी लाइफ स्पेन में N और 2N फेज कंटिन्यू अल्टरनेट चलती है, अल्टरनेट कंटिन्यू चलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनेसिस। दोबारा देखिए, ये मेन प्लांट बॉडी थी ठीक है। फिर क्या हुआ आपके, जो फ्लावर है उसमें देखा, उसमें ये मेल वाला पार्ट हो गया, ये फीमेल वाला पार्ट, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। एंथर है, उसमें जिस पे माइक्रोस्पोर बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम। चार माइक्रोस्पोर बन गए जिनको बोलते हैं अपन पोलन ग्रेन्स। ये सारे हैप्लॉयड चल रहे हैं, पोलन ग्रेन से क्या निकल गई आपकी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब कहाँ जाके फ्यूज हो गया आपकी, एम्ब्रियोसेक के अंदर। एम्ब्रियोसेक कहाँ से बना, जो फीमेल पार्ट है उसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी उससे क्या बन गया आपका, एम्ब्रियोसेक। फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, फिर प्लांट बन गया। तो ये लाइफ स्पेन होता है एंजियोस्पर्म प्लांट का ठीक है। लाइफ कैसे चलती है, अगला देखते हैं अपन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब एक के बाद देखो, इधर हैप्लॉयड फेज थी, फिर डिप्लॉयड आई, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अपन डिटेल से देखते हैं किस वाली जो किंगडम होता है या कौन कौन से प्लांट होते हैं उनमें किस टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है, वो अपन देखें।
बिल्कुल सिंपल सा, ये समझने वाली बात है। देखो ये बन गया आपका जाइगोट, और जाइगोट अपन को पता ही है कैसा होता है आपका, 2N होता है, ठीक है। जाइगोट में क्या हुआ आपका, मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ जाइगोट में, क्या हुआ आपका, मियोसिस हुआ। और मियोसिस से क्या बनते हैं आपके, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। मियोसिस से क्या बनेंगे आपके, हैप्लॉयड स्पोर बनेंगे। ये सेल थी, ये डिवाइड होके दो में हुई, और ये मियोसिस से क्या बन गया आपके, 4 सेल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारी फेज कैसी है आपकी, 2N है। 2N का मतलब डिप्लॉयड, क्रोमोसोम्स के नंबर कितने हैं आपके, जितने एनिमल में या प्लांट में होते हैं उतने कंप्लीट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन किससे होता है, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन होता है आपके, जाइगोट, ठीक है। इससे फर्दर देखो आप, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोफाइट ये कैसी है आपकी, एन। गैमेट्स भी कैसे होते हैं आपके, एन, ठीक है। और इस इनके फ्यूजन्स, ये क्या है आपके, गैमेट्स। तो अब इसको पूरे को अगर अपन इस तरीके से डिनोट करें, इस तरीके से डिनोट करें, तो देखो आप पहले क्या बना आपका, इधर से देखिए आप, या यहाँ से देख लिए, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट। जाइगोट में रिडक्शनल डिवीजन हुआ जिसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस से बने आपके हैप्लॉयड स्पोर, ठीक है। हैप्लॉयड स्पोर इस फेज को बोलेंगे गैमेटोफाइट, मतलब एन फेज। और ये कैसी है आपकी, 2N, ठीक है। गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट आपस में फ्यूज हो गए और क्या बना लिया आपके, जाइगोट। किस प्रोसेस से फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन से। तो N और 2N जो अल्टरनेट चलता है, तो इसकी इसमें कौन सी फेज आपकी लॉन्ग है, कौन सी फेज आपकी लॉन्ग होती है और कौन सी फेज स्मॉल होती है, उसके बेसिस पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिसाइड किया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक सिंपल सा टॉपिक है, इसका मतलब ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का, कि कौन सी फेज हैप्लॉयड है, कौन सी डिप्लॉयड है, या जो प्लांट है उसकी लाइफ साइकिल में हैप्लॉयड फेज आती है, उसके बाद डिप्लॉयड आती है, फिर हैप्लॉयड, ये एक के बाद एक चलता रहता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो जो फेज साइज जिसका बड़ा होगा उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। जैसे जो एंजियोस्पर्म प्लांट है तो उसमें डिप्लोंटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, या हैप्लोंटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो डिपेंड करता है। जैसे ये वाला है, ये वाला कैसा है, हैप्लोंटिक। इसको हैप्लोंटिक क्यों बोला, तो आपको साइकिल दिख रहा होगा जो लार्ज साइकिल वाला है वो कौन सा आपका हैप्लॉयड वाली कंडीशन है। इसका अपन ने जो कर्व बनाया है ये देखो, ये छोटा सा है, ये इतना सा, इसमें 2N है, बाकी कौन से आपके N है। तो ये कैसा लाइफ स्पेन है, हैप्लोंटिक लाइफ स्पेन, क्योंकि इसमें जो N फेज है वो क्या आपकी लार्ज फेज है, इसलिए इसको हैप्लोंटिक बोलेंगे। जिसमें N फेज स्मॉल होगी उसको बोलेंगे अपन डिप्लोंटिक, और जिसमें दोनों इक्वल होगी उसको बोलेंगे हैप्लो डिप्लोंटिक फेज। फिर से रिकॉल करती हूँ, जिसमें जिस फेज का साइज लार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, उसी के अकॉर्डिंग नाम देंगे। इस वाले जो साइकिल है इसको बोलेंगे हैप्लोंटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें जो N वाली फेज है वो लार्ज है और 2N वाली फेज क्या आपकी स्मॉल है, ठीक है। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें होती है हैप्लोंटिक डिप्लोंटिक, N और 2N क्या होती है आपकी इक्वल। तो ये अपना प्लांट किंगडम लगभग क्या कंप्लीटली खत्म है अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, ठीक है। और बाकी पोर्शन अपन 12th में देखेंगे, जब मैं नीट की क्लासेस चालू करूंगी छुट्टियों के अंदर, तो मैं इसको और भी डिटेल से आपका प्रिपेयर करवाऊंगी। अभी मेरा टारगेट यही है कि आपके बेसिक्स तैयार हो जाएं, इसके अलावा आपकी 11th तैयार हो जाए, ठीक है। जब अपन 12th का करेंगे तब 12th का आप देख लेना, इसके अलावा जब अपन चालू करेंगे इसका नीट वाला, वो मैं आपको मई में स्टार्ट कर दूंगी, मैं मई में या हो सकता है अप्रैल के लास्ट में स्टार्ट कर दूं, और उसमें मैं आपको और डिटेल से पढ़ाऊंगी, और जो NCERT है उसको लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। थैंक यू।